सारे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, यू मस्ट लिसन टू दिस व्हाट श्री कृष्ण जी हैज टू से। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्वा कर्मणि। किंतु निष्काम कर्म कैसे संभव है वासुदेव? फल का ज्ञान ही तो कर्म करवाता है, और यदि दृष्टि फल से ही हट जाए तो कोई कर्म करेगा ही क्यों? कोई कर्म इसलिए करेगा पार्थ कि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं। तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, परंतु यदि तुम्हारा आखेट तनिक भी इधर से उधर हो जाए तो तुम चूक जाओगे। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे वाण संधान पर है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारी दृष्टि पर है, परंतु उस मृग पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं जिसकी ओर तुम वाण चला रहे हो। जैसे कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप अपना कर्म करते रहिए, आपका कंट्रोल रिजल्ट्स के ऊपर नहीं है, आप रिजल्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से बेटा, जो आपके कंट्रोल में था आपने वो सारी चीजें कर डाली है। आपने अच्छे से पढ़ाई करनी थी, आपने डेडिकेटेडली पढ़ाई करनी थी, आपने वो कर दिया है, तो अब आपका रिजल्ट्स के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो आप अगर उसके बारे में सोच सोच के अगर परेशान होंगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी कोई एग्जाम होती है तो उसका दो ही आउटकम रहने वाला है, एक तो सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल, है ना। तो देखिए कल के एग्जाम में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अगर मान लीजिए 100 बच्चा दिया होगा तो एक अप्रोक्सीमेटली मैं बात करूं तो 30 बच्चा सक्सेसफुल होने वाला है, और जो बचा हुआ 70 बच्चा है शायद ये सक्सेसफुल ना हो पाए। अगर आप इस कैटेगरी में भी रहते हो बेटा तो आपने ज्यादा हवे में नहीं उड़ना है, क्योंकि अभी जर्नी बहुत बड़ी है। सीए में आप देखोगे इंटरमीडिएट का सिलेबस बहुत बढ़िया है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत मजेदार, और उसके बाद अगर मैं फाइनल की बात करूं तो वो तो अलग लेवल पे है, है ना। उसी प्रकार से अगर मैं यहां पे बात करूं, अगर आप अनसक्सेसफुल भी होते हैं तो इसमें भी कोई बहुत बुरा लगाने वाली बात नहीं है। आपने दोबारा से ज्यादा बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से आपने मेहनत करना है, आपने इसको इस तरीके से लेना है, आपने ये सोचना है हो सकता है शायद इस बार के एग्जाम के लिए मैं उतना ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट ना हो, है ना। तो ऐसा आपने सोचना है और दोबारा से बहुत अच्छे से मेहनत करना है सितंबर अटेम्प्ट के लिए, ताकि हम लोग कौन सी कैटेगरी में आ पाए, हम लोग सक्सेसफुल कैटेगरी में आ पाए। अब जैसे कि आप लोग जानते हो यहाँ पे एस सच आपको जितने ज्यादा मेहनत करोगे, जितने जल्दी आप अपना थॉट प्रोसेस ऐसा रखोगे बेटा, उतना ज्यादा अच्छा होने वाला है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब मेरी मई 19 में एग्जाम्स थी, जो जून 19 में शिफ्ट हो गई थी लोकसभा इलेक्शंस के कारण, तो उसके जो रिजल्ट्स है वो भी काफी लेट आए थे। मुझे आज भी याद है वो 13 अगस्त के आसपास उसके रिजल्ट आए थे, और 1 नवंबर से दोबारा से मेरे फाइनल के एग्जाम्स थे। अब ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट टाइम था जब मैं फेल हुआ था बेटा अपने किसी भी सीए एग्जाम्स में, है ना। तो अपने को आदत नहीं होती है, लाइफ टाइम अपन ने केवल और केवल सक्सेसफुल रिजल्ट्स ही देखे, और अचानक से जब हम लोग फर्स्ट टाइम फेलियर देखते हैं ना, तो ये बड़ा बहुत बुरा लगता है अपने को, बहुत डिसहार्टनिंग आपको लगेगा, या बहुत डिसहार्टनिंग मुझे लग रहा था उस समय। तो ऐसे केस में मैंने ना अपने 10-15 दिन थोड़ा सा उसी चक्कर में गवा दिया था, जो मुझे बाद में रियलाइज हुआ था कि यार मैंने वो नहीं करना था, मेरा एक और रिवीजन बहुत आसान तरीके से कर सकता था मैं, या हो सकता है मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दे पाता जो मुझे बहुत ज्यादा टफ जा रहे होते, तो मेरा रिजल्ट और अच्छा आता। मैं मतलब यहाँ पे मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अगले अटेम्प्ट में मुझे, मैं पास हो गया था, मैंने बहुत मेहनत किया था वो दौड़ाई मैंने, बट शायद मैं वो 15 दिन को भी यूटिलाइज करता तो मुझे जो हल्का फुल्का बाद में डर लग रहा था वो भी मुझे नहीं लगता। तो देखो यार ये बहुत प्रिटी कॉमन चीज है, आपने रिजल्ट को बस एक्सेप्ट करना है, खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करना है, ज्यादा उसको चैलेंज नहीं मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता ऐसा कुछ नहीं सोचना है, बस ये सोचना है कि अगले इसमें इस बार तो मुझे फोड़ना है कुछ भी हो जाए करके। और अगर आप सक्सेसफुल की कैटेगरी में रहते हैं तो ऐसे इसमें आपने भी ज्यादा हवे में नहीं उड़ना है, क्योंकि इंटरमीडिएट भी बहुत बड़ा गेम है, और इंटरमीडिएट से बहुत बड़ा गेम फाइनल का है, तो उसको भी ये सोचना है कि बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि हम पास हो गए, हम क्लियर कर गए, और अच्छे से डबल मेहनत से आपने पढ़ना है इंटरमीडिएट के लिए, राइट। आपका जो भी रिजल्ट्स होता है हमारे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, आपके जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो शेयर कीजिएगा। अगर आप हमें से किसी भी अल्टीमेट सीए की फैकल्टीज से पढ़े हैं, यूट्यूब पर क्यों ना पढ़े हो, आपके लिए बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग सरप्राइज अवेटिंग है, जरूर से बताइएगा। अब क्लियर नहीं कर गए तो भी हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, हमारी पूरी अल्टीमेट सीए टीम आपके साथ है, और आप क्लियर करते हैं तो भी हम आपके साथ है बेटा, है ना। तो आपने किसी भी बात का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। महादेव जी के ऊपर भरोसा रखिए, उनके ऊपर भरोसा करिए, सब कुछ एकदम बढ़िया होने वाला है, सब कुछ अपने लिए अच्छा ही होने वाला है, ठीक है। राइट गाइज, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, भरोसा रखिए, बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय एवरीवन।